मीडिया और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आता है कि वहाँ पे लोग मुसलमान हो जाते हैं, इसकी इसकी कोई वजह है? वो ऐसे नहीं करते, वो जो है ना वो जो आपको जाते हैं तो वो फिर करते हैं, उसके साथ बारे में हम नहीं बताएंगे, नहीं हमारे को पता भी इतना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक एंड अदर व्लॉग। आज के हमारे स्पेशल व्लॉग में जो हैं हरिदास जी जो के महाराज हैं वो हैं, और आज ही हमारी जो हैं शॉप पे आए थे, इनसे हम बातचीत करेंगे। और ये साल का आखिरी दिन है, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। साल का आखिरी दिन है, 2023 का आखिरी 31 दिसंबर, और आज जो है हमारी ही शॉप पे जो है महाराज जी जो हैं सिंध से आए हुए हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। और सिंध से जो है सनातन का जो होता है प्रचार, वो करते करते जो है हम तक पहुँचे हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि साल के आखिरी दिन में जो है हमारी शॉप पर पधारे हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? नाम है हरिलाल साध। हरिलाल साध, हरिदास, हरिदास साध। अच्छा, तो हरी के दास हैं ये, और कहाँ से आप आए? डेर की सिंध से आए। डेर की सिंध, हाँ, सिंध से, रामनगर के साथ। रामनगर से। अच्छा, आप वहाँ से होते हुए धार्मिक जो सनातन का जो ज्ञान है, हाँ, ये गांव-गांव जाके? हाँ, गांव-गांव जाके बात सुनाता हूँ, बात करता हूँ, धर्म की प्रचार करता हूँ। हमारा वही धर्म है जो हम प्रचार करने के लिए आए हैं इधर। अच्छा, जैसे हम हमारे सनातन में जैसे पाकिस्तान के अंदर सनातन का जो ज्ञान होता है, जैसे पंडित वगैरह इनकी जो तालीम होती है, ये कहाँ से लोग हासिल करते हैं? वो गुरुजी को हासिल करते हैं, जो हमारे पास तीन चार गांव में चार जगह पे पाठशाला चल रही है। अच्छा। हमारे बेटा भी वो कर रहा है, पाठशाला पढ़ा रहा है। हमारे जो जो उधर से बहुत बंदे जो एक एक दो दो तीन तीन सौ साल, माना 200 साल, 40-50-100 उधर एक एक उस्ताद के साथ रहते हैं, वो तीन तीन चार पाँच दस दस साल तक जो है एक उस्ताद के पास ज्ञान, हाँ, जो धार्मिक ज्ञान जो है, हाँ, ज्ञान ज्ञान वो लेते हैं। अच्छा अच्छा, आप जब जाते हैं किसी गांव में, हाँ, किसी गांव में जाके आप छोटे बच्चों से बड़ों को आप स्पेशली कौन सा ज्ञान देते हैं? धर्म के, धर्मी ज्ञान देता हूँ। वो जो है कहता है बाबा धर्म का सेवा करो, अभी धर्मी काम करो, वो जो है मात पिता की सेवा करो, आखिरी कलयुग समय में वो जो है धर्म, धर्म की प्रचार ज़रूरी है। जो धर्म की प्रचार करता है वो ही कामयाब होता है। जी जी, तो दोस्तों देखने वालों से ये कहना चाहूँगा कि इनका जो शहर है वो वहाँ है जहाँ से मियाँ मिट्ठू के नाम से, जहाँ से धर्म परिवर्तन के नाम से, जैसे फोर्स कन्वर्जन के नाम पर जैसे एक शहर मशहूर है और एक इंसान मशहूर है, मियाँ मिट्ठू वो है। अच्छा, आपके वहाँ पर जो हिंदू हैं या वहाँ पर ये हम कहने और सुनने और देखने में सोशल नेट पर बहुत ज़्यादा आता है कि वहाँ पर लोग मुसलमान हो जाते हैं, इसकी कोई वजह है? वो ऐसे नहीं करते, वो जो है ना वो जो आपको जाते हैं तो वो फिर करते हैं, उसके साथ बारे में हम नहीं बताएंगे, नहीं हमारे को पता भी इतना है, जो आप जाते हैं फिर वो करते हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि हम नहीं बताएंगे, खुद कोई चला जाए या खुद किसी की मर्ज़ी या घर में कोई इश्यू हो जाए या घर में किसी लड़ाई की वजह से या फिर ज़िद में आके गुस्से में आके कुछ ऐसा कदम उठा लें तो होता है। और इसके अलावा आप क्या देखने और सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? हम अमन की बात करते हैं, हम जो धर्म की प्रचार करते हैं, हम किसकी प्रचार नहीं करते, ऐसे नहीं, ऐसे ना कर सको कि किस बात में गुस्सा आ जाए। हम धर्मी सेवक हैं, हम धर्म की प्रचार करते हैं। जो हमारे गांव में एक मंदिर बड़ा बन रहा है, उसके सेवा के लिए आ रहा हूं, धर्म की प्रचार करता हूं, और वो जी बात करता हूं, धर्म की ही प्रचार करता हूं। अच्छा, आप किस, यानी कि पिछले जो जैसे गद्दी चल रही होती है ना, आपकी पीछे से कौन सी गद्दी है? हमारी गद्दी वो जो है, जो हमारी गद्दी पिछली जो बाप डाडे का गांव है, एंग्रो फैक्ट्री का गांव के, हमारा मंदिर पीछे बूढ़े जगह बाबा दादा मेरा उधर था। अब हम डरकी से आए हैं, डरकी में हमारा गांव है, धाम है, उधर मंदिर बन रहा है, बन भी चुका है, बन भी रहेगा, काम चलता रहेगा, हम वो जो उसका सेवक हैं। सो फ्रेंड्स, ये अच्छा मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे धार्मिक गद्दी नशीन होते हैं ना, जैसे कबीर पंथ है, आपका पंथ कौन सा? हाँ, मैं सूफी पंथ है, श्री रोयल साहब, रोयल साहब फकीर, सूफी फकीर। अच्छा। सूफी के हमारा ताल्लुक है, सूफी दुर्मा मंस फकीर। अच्छा, सूफीज़म जैसे होते हैं, जैसे कबीर पंथ भी एक सूफीज़म पंथ था, और जो रोहल फ़कीर का पंथ है वो भी है, और इनमें से ये हैं। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे?
हम जो दावत देते हैं, जो धर्म की देते हैं, वो प्रचार देते हैं, जो धर्म की प्रचार करते हैं, गांव में जाते हैं, धर्म की बात करते हैं, जो भजन कीर्तन कर लेते हैं, चार भजन आज 10-20 कर लेते हैं, हम धर्म की प्रचार गांव-गांव में जाकर प्रचार कर सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो देते हैं। अच्छा, आपने ऐसे भगवा पहना हुआ है, आपने ये माला रुद्राक्ष पहनी हुई है, आप जा रहे हैं मार्केट में, कहीं आपको कुछ महसूस होता है कि मैं ऐसे? हाँ, वो जो है जो हमारे को सारे इज्जत करते हैं, वो साध साध कहते हैं, हमारे को चाय पानी पिलाते हैं, बोतलों पिलाते हैं, हमारे वधी बड़ी सेवा करते हैं, धर्म की जो सेवा करते हैं बहुत करते हैं हमारे भाई हिंदू बिरादरी। अच्छा, जो स्पेशली हिंदू बिरादरी, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट और सेवा जो है वो करते हैं। और ये थे आज के हमारे जो हरिदास जी थे, हमारी शॉप पे जो है किस्मत से आए हुए थे, और अभी हम बैठे हुए थे अपनी ही दुकान पे और हम आपको दिखा रहे हैं। ये थी मेरी शॉप जो मोस्टली आपने पिछली वीडियो में भी देखी, और ये है इसकी जो है बैक साइड। सो दोस्तों, अभी सोशल मीडिया और जो ओपनिंग राम मंदिर, श्री राम मंदिर की ओपनिंग हो रही है, और हमारे पूरे ही सोशल मीडिया पे जो है शबनम शेख जो हैं वो वायरल है, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है पैदल जो यात्रा वो करती हुई जा रही हैं। और आज हमारे साथ थे पंडित जी, इनसे भी हम पूछेंगे कि आपने शबनम शेख जो पैदल जा रही है अयोध्या के मंदिर की ओपनिंग के लिए। हाँ, धन्यवाद। हम जो कहते हैं नवे साल की कह रहा हूँ, जो पैदल जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद जो जा रही है और दर्शन करने के लिए। जी, दर्शन करने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, और एक अच्छा मैसेज जो उन्होंने दिया, और हमारी तरफ से भी एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया के लिए, और ये जो शबनम शेख जी हैं उनके लिए धन्यवाद। सो दोस्तों, ये जो कैमरा मैन थे आज के, और इनका ही नाम हरिदास है, और हर गांव में जाकर ये सेवा करें। क्या नाम है? हरिदास। और क्या काम करते हैं? आपकी शॉप है, आपकी शूज़ की शॉप है। स्कूल जाते हैं जी? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स क्लास में ये हरिदास जी जो हैं पढ़ते भी हैं।